एटीएम हैकिंग की ऐसी वारदात जो आपको हैरान कर देगी। एटीएम के लुटेरे जो करते हैं ब्लेड और माचिस की तीली का इस्तेमाल। माचिस की तीली और ब्लेड की मदद से एटीएम हैक हो सकता है। हैक, इस बात पर भरोसा करने में आपको मुश्किल आ सकती है, लेकिन पुणे पुलिस की साइबर सेल के हवाले से यही दावा किया जा रहा है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैसे ये लोग माचिस की तिली और ब्लेड के जरिए हैकिंग का काम करते हैं, चलिए हम खुद उसे समझने की कोशिश करते हैं। तीली यानी जो आसान से मिलने वाली चीज है, ये तीली और ये माचिस, ये जो ब्लेड है ये आपको नजर आ रही होगी, वो इसका इस्तेमाल करते थे। और इस तीली को, ये जो बटन आप देख रहे हैं, जो नॉर्मली नंबर प्लेट पे बटन लगी रहती हैं, इस तीली को वो यहाँ पर लगा देते थे और ये पूरी मशीन उस दौरान हैंग हो जाती थी। और इसके बाद जो कस्टमर यानी जो ग्राहक पीछे लाइन में लगा हुआ होता था पैसे निकालने के लिए, वो उसका पासवर्ड देख लेते थे। पुणे पुलिस के साइबर सेल का कहना है कि 18 लोगों ने इसकी शिकायत की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से गौरव गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन।